वेलकम टू डिजिटल न्यूज। पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया और शहर के कई हिस्सों में पेड़ पौधों का रोपण किया। सरकार के इसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए जेएमडी ग्रुप द्वारा सिविल लाइन्स में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें जेएमडी ग्रुप के चेयरमैन और नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। वृक्षारोपण के बाद लोगों ने पर्यावरण को बचाने का संकल्प भी लिया। बता दें कि आज 6 मार्च को जेएमडी ग्रुप की ओर से कानपुर शहर के सिविल लाइन्स में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आयोजक जेएमडी ग्रुप के चेयरमैन संजीव दीक्षित ने बताया कि पेड़ों के कटने से पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसका असर वातावरण के साथ साथ मौसम पर भी पड़ रहा है। इसीलिए जेएमडी ग्रुप ने इस वर्ष निर्णय लिया है कि शहर को स्वच्छ और हरा भरा बनाएंगे, जिसकी शुरुआत आज ही से जेएमडी ग्रुप द्वारा कर दी गई है और पूरे वर्ष तक यह अभियान चलता रहेगा। वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने जेएमडी ग्रुप को धन्यवाद देते हुए कहा कि नगर निगम के अभियान में उन्होंने अपना सहयोग दिया है। नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि वृक्षारोपण महज एक शुरुआत है, कानपुर नगर निगम अपने शहर को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इतना ही नहीं, स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर को अग्रणी रखने के लिए भी नगर निगम लगातार कार्यरत है। जो नगर निगम की तरफ से स्मार्ट सिटी की योजना है, उसके साथ जेएमडी न्यूज़ ने भी उस पर कंधे से कंधा मिलाकर वृक्षारोपण का कार्यक्रम बनाया है। कहा जाता है एक वृक्ष 100 पुत्र समान। आज जिस तरह के ऑल ओवर वर्ल्ड आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की जो सिचुएशन है, उसकी वजह बहुत बड़ी ये है कि जो पेड़ और हमारे रिसोर्सेज हैं उनका बहुत बुरी तरीके से दुरुपयोग हुआ है और उसका बहुत क्षति हुई है। तो नगर निगम और जेएमडी न्यूज़ की इस पहल को जेएमडी वर्ल्ड स्कूल ने आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष ये बीड़ा उठाया है कि हम कानपुर शहर को स्वच्छ, हरा और स्वच्छ बनाएंगे। इसी मुहिम की आज शुरुआत हो चुकी है, जो लगभग पूरे साल स्वच्छ और हरा भरा इस शहर को बनाएगी। स्वच्छ और सुंदर कानपुर के लिए आज जेएमडी न्यूज़ चैनल ने जो ये अभियान चालू किया है, इनिशिएटिव लिया है और वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराया है, ये बहुत ही सराहनीय है। मैं इसके लिए जेएमडी न्यूज़ चैनल के संस्थापक और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शहरवासियों से ये अपील करता हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रमों में प्रतिभाग करें और अपनी तरफ से भी वॉलंटियर तौर पे भी शहर को स्वच्छ और साफ सुंदर रखने के लिए, पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए हर जगह अपने वर्षगांठ पे, जन्मदिन पे और कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो, पेड़ पौधे जरूर लगाएं। जो पहल है, इस पर क्या कुछ कर रहे हैं? मैं आरोग्य ग्राम से डॉक्टर हेमंत मोहन, डॉक्टर आरती मोहन, जेएमडी न्यूज़ और नगर निगम की इस पहल का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ गगनचुंबकीय इमारतें बनती जा रही हैं, फ्लैट बनते जा रहे हैं, घने जंगल काटे जा रहे हैं, तो ये जेएमडी की एक बहुत अच्छी शुरुआत है पौधारोपण। और हम लोग न केवल इन पौधों को लगाएं, इनकी बराबर देखभाल भी करें। बहुत अच्छा करा कि उसके ऊपर कवर भी लगा दिया गया है और हम समझते हैं कि इस पर समय समय पर खाद डाली जाए, समय समय पर पानी दिया जाए। और हम लोग को संकल्प लेना चाहिए कि अपने माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी पर या अपने जन्मदिन पर एक पौधा हम लोग ज़रूर लगाएं। पौधे अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग सांस कैसे लेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन रिलीज होती है, हमारे शरीर में ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है, तब हम आराम से श्वास ले पाते हैं। और पौधे ही हैं जो वायुमंडल में विषैली गैसें, जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो नाइट्रोजनस गैसेज होती हैं, ये उनको एब्जॉर्ब करते हैं। अगर पौधे नहीं होंगे तो ये विषैली गैसें पर्यावरण को असंतुलित कर देंगी और ये पौधे तमाम तरह से हमें फ़ायदा देते हैं। एक तो हम लोग को फल देते हैं, औषधि देते हैं, फ्लावर देते हैं, तो हम लोग को पौधे लगाने हैं। और नगर निगम और जो हमारे जेएमडी न्यूज़ की इस पहल का मैं शुरू से ही स्वागत करता आ रहा हूँ, क्योंकि कोरोना टाइम में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और अगर हम लोग प्लांटेशन लगातार करते रहेंगे तो हम समझते हैं कि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी कभी भी नहीं हो पाएगी। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.